सुनिए मसालों की कहानी कारवां 2.0 पर। कुछ गानों में रूहानियत होती है तो कुछ गानों में जज्बातों की ताबीर, और इन्हीं गानों में से चुनकर मैं आपके साथ सेलिब्रेट करती हूँ हिंदी सिनेमा का एक प्लैटिनम सॉन्ग। नमस्कार, मैं हूँ रुचि आपके साथ, और आज 19th of December है। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे है वो गाना जिसने बैडमिंटन गेम को पॉपुलर बना दिया। आई एम श्योर आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस गाने की बात कर रही हूँ। जी हाँ, गाना है हमजोली फिल्म से जितेंद्र जी और लीना जी का पॉपुलर नंबर ढल गया दिन हो गई शाम, जिसे कंपोज किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और लिरिक्स हैं आनंद बख्शी जी के। ढल गया दिन सॉन्ग की बात करूँ तो आज भी इसका वो कॉर्क का जो टुक साउंड है वो गाना गाते समय हम मिस कर ही नहीं सकते हैं, वो भी गाते हैं साथ में। इस गाने का सीन फिल्म डायरेक्टर फराह खान ने अपने 2007 की फिल्म ओम शांति ओम में रिक्रिएट भी किया था, विच शाहरुख खान एंड दीपिका पादुकोण इन द सॉन्ग धूम ताना। तो चलिए सुनाते हैं आपको यही गाना, आप भी साथ में गुनगुनाइएगा। ढल गया दिन टुक, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी जाना है। दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। रिसेंटली इंडियन आर्मी वेटरन मेजर गौरव आर्या जी ने ट्वीट किया था कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पुलिस पर्सनल मार्च कर रहे थे एक बॉलीवुड सॉन्ग गाकर, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गाना था ढल गया दिन हो गई शाम। वैसे तो ये रोमांटिक सॉन्ग है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उन ऑफिसर्स को अपने दिल की बात कहनी हो, एज इन ढल गया दिन हो गई शाम, अब तो जाने दो जाना है। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। सितम मेरे दिल पे जो ढाए, कसम लगे उसको मेरी जो जाए। इस गाने में जो जितेंद्र जी के स्टेप्स थे वो काफ़ी पॉपुलर हुए थे। वैसे क्या आप जानते हैं, 1980s में जीतू जी इतने इनसिक्योर हो चुके थे कि उन्होंने एक के बाद एक लगातार फिल्में करना शुरू कर दिया था। 8 सालों में करीब 60 फिल्में की थी उन्होंने, क्योंकि जीतू जी वो सेलिब्रिटी हैं जो शुरुआत में गिरगांव के एक चौल में रहते थे और पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, तो उस समय अगर वो फिल्मों में अपना करियर नहीं बनाते तो काफ़ी तकलीफें आती उनकी लाइफ में। इसीलिए जब कभी अपने करियर में कोई डिफिकल्टी फेस की उन्होंने, तो हार नहीं मानी, पागलों जैसा काम किया और फिर से ऊपर आए। अभी न जाना कोई तराना, कोई फसाना अभी सुनाना है। ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है। तो ये था आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे। मैं हूँ रुचि आपके साथ। जितेंद्र जी अपने डांसिंग स्टाइल के लिए काफी पॉपुलर थे, और इसीलिए उन्हें जंपिंग जैक का टैग भी दिया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस टैग का क्रेडिट कल्याण जी आनंद जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसे गाने कंपोज किए थे जितेंद्र जी के लिए जिसमें उनके डांसिंग का हुनर सामने आ पाया। ऑल्सो जीतू जी कल्याण जी आनंद जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे और हमेशा इंटरेस्टेड थे उन गानों की कॉम्पोजिशंस में जो उन पर फिल्माए जाने वाले हैं। इसीलिए वो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज पहुँच जाते थे, जब भी उन्हें टाइम मिलता था तब साथ में बैठते थे और सुनते थे कि गाना कैसा बन रहा है। वैसे आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे लीना जी का भी गाना है, तो उनका एक और गाना सुनाते हैं आपको। बैराग फिल्म से है ये अगला गाना। मैं
शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। सच? सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यही सोच कर रात भर में सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं, हाँ सोई नहीं, सोई नहीं, सोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं। वो महबूब हो तुम, मेरा दिल जिस पे फिदा है वो दिल पर वो महबूब हो तुम। थोड़े से तुम हो छोटे आदमी पर बहुत खूब हो तुम। ऐ हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू। मैं हूँ यहाँ और तुम हो वहाँ, ओ जाने जा हुई हो कहाँ। हुई तुम्हारी चीज तो हुई नहीं, हुई नहीं। सारे शहर में आप सा मेरा नाम है आशिक, इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी जान मेरा काम है। ऐसे भी हो तुम, कैसे भी हो, कैसे भी हो तुम, कैसे भी हो, हमको शिकायत आपसे। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सारे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई नहीं। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे बना हुआ है बड़ा ही मस्ती भरा गाना, लीना जी और जीतू जी का गाना ढल गया दिन हो गई शाम। लीना जी बचपन से फिल्म स्टार बनना चाहती थी लेकिन उनके टीचर को ये पसंद नहीं था। एक बार स्कूल में उन्हें ऐसे लिखने के लिए कहा गया था और उन्होंने लिखा था कि मुझे फिल्म स्टार बनना है। उनके टीचर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने लीना जी को पनिश किया था और माफ़ी मांगने के लिए कहा था।
क्योंकि उस समय फिल्मों में काम करना लोगों को रिस्पेक्टेबल नहीं लगता था। लेकिन लीना जी भी अड़ी रही और उन्होंने माफ़ी बिल्कुल नहीं मांगी। बड़े होकर जब वो फाइनली फिल्म लाइन में आ गई, तब एक बार फिर उनकी मुलाकात उसी टीचर से हुई और तब बात कुछ अलग बन गई थी। दैट टीचर वॉज प्राउड ऑफ लीना जीज करियर चॉइस। वैसे आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे हम जोली फिल्म से है, तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म से लता जी और रफी साहब का ये अगला गाना। आज का प्लैटिनम सॉन्ग ऑफ द डे ढल गया दिन हो गई शाम एक बार फिर से सुनाने का समय आ चुका है और मेरे यानी कि रुचि का यहाँ से जाने का समय आ चुका है।
लेकिन इसी वादे के साथ कि कल एक बार फिर से आऊंगी एक नए प्लैटिनम सॉन्ग के साथ, पर वो गाना आपकी पसंद का हो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी पसंद नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, साथ ही इस वीडियो को शेयर करें, सारेगामा म्यूजिक चैनल को सब्सक्राइब करें, और चले एक बार फिर से सुनते हैं ये गाना मेरे सारेगामा कारवा से। अभी